Hello everyone, welcome to Online Agriculture e-Platform. My name is Darshna Yadav और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है कि मशरूम कल्टीवेशन के लिए. आज जो हमारा लेक्चर है वो लिटरेचर बेस्ड पे भी है, एज ए स्टूडेंट के लिए भी अच्छा होगा और हमारे किसान भाइयों के लिए भी अच्छा होगा. ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो लैंड होल्डिंग साइज है इंडिया की वो बहुत कम है और जो मशरूम का कल्टीवेशन किया जाता है इसके लिए यही बोला जाता है कि एक बंद कमरे में इसकी खेती आराम से की जा सकती है, है ना, और अच्छा मुनाफा भी लिया जा सकता है. क्या क्या कारण होते हैं, कैसे कल्टीवेशन करते हैं, मशरूम क्या है, मशरूम किस प्रकार से ग्रोइंग की जाती है, मशरूम के कौन कौन से प्रकार होते हैं, खाने योग्य कौन सी है, नहीं खाने योग्य यानी विषाक्त या जहरीली मशरूम कौन सी है, इसके अलावा हम क्या कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पड़ती है इसकी, जब हम एक शेड लगाते हैं तो कितना खर्च आता है और उसके बदले में कितना मुनाफा होता है, इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं हार्वेस्टिंग, मतलब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बट एंड बहुत ही विद इन बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. इम्पॉर्टेंट दिख ही रहा है. अच्छा, मशरूम की जो खास बात है वो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है. इसमें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है, एक तो फैट नहीं होता है, है ना, फाइबर बहुत अच्छे होते हैं, कैलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होता है, कैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट फाइबर देखा जाए, प्रोटीन देखा जाए, बाकी जितने भी अमीनो विटामिन्स जो होते हैं वो भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है तो ये एक फंगस ही, बट कैसी फंगस है, कैसी कवक है, खाने योग्य फंगस है ना, इसे हिंदी में खुम्बी भी बोला जाता है. देखा होगा आपने अपने घरों के आसपास जब बारिश होती है, बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो एक फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है खुम्बी के जर्मिनेट होने के लिए, यानी इनके मशरूम के निकलने के लिए. तो घर के आसपास भी एक छतरी सी देखी होगी, तो वो है तो क्या है, मशरूम ही है. बट हाँ, एक बात है, इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, बट कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो एडिबल हैं, यानी जो खाने योग्य हैं, बाकी जो सारी हैं वो वाइल्ड है, जंगली है या पॉइजनस मशरूम बोल सकते हैं आप उनको. क्लियर है इतनी बात. अगर इंडिया में बोला जाए, इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में सबसे मोस्ट जो फेवरेबल है, जो सबसे ज़्यादा कल्टिवेट की जाती है वो बटन मशरूम है. ठीक है, इसके अलावा हम ऑस्ट्रेस मशरूम यानी जिसे ढींगरी बोला जाता है उसे, देन मिल्की मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम और एक गाइनोडर्मा करके मशरूम होती है. ठीक है, इन स्पीसीज को हम हाईली रिकमेंड करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है ना एज ए कल्टीवेशन वे में और एडिबल पोर्शन में. जो गाइनोडर्मा स्पीसीज मैंने आपको बताई है, गाइनोडर्मा की मोस्ट फेवरेबल जो इम्पोर्टेंस है ना वो मेडिकल फील्ड में है. इससे बहुत सारी मेडिसिंस बनाई जा रही हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचा जा रहा है ना. तो इसकी कॉफ़ी हुई या फिर कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, लोग बाग इसे डेली टू डेली अपनी ह्यूमन हेल्थ में, मतलब डाइट में ले रहे हैं. ठीक है, चलिए अब हम अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशन अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, मशरूम कल्टिवेशन को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पे. ठीक है, चलिए, मशरूम इज अ फ्लैशी फंगी. कैसी है भाई, फ्लैशी फंगस है ना, फ्लैशी फंगस है. तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात आता है, या फ्लैशी या एडिबल फंगस है, खाने योग्य फंगस है. क्लियर है इतनी बात. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज अ स्मॉल अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर. तो आप लोगों ने इसकी स्ट्रक्चर तो देखी होगी, कैसी है, छोटी है और कैसी है, एक अम्ब्रेला लाइक यानी छतरी नुमा जो है होती है ये इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, छतरी नुमा जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चर. बाकी हम इसकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पे भी बात करेंगे अभी. इट इज अ स्मॉल अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर. ओके, इट हैज टू पार्ट. कितने पार्ट होते हैं इसमें, टू पार्ट होते हैं. एक जो पार्ट होता है, अ कैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लैट्यूस. ठीक है, जो कैप ऊपर छतरी नुमा जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे पैलेस बोला जाता है. ठीक है, और नेक्स्ट बात करें, अटैच्ड विद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो सॉइल से अटैच होता है, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है, उसी को माइसीलिया बोला जाता है ना, वही जो सॉइल के साथ कॉम्पैक्ट करके अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाती है. ठीक है, चलिए
ये आपको याद रखने हैं, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है वो पैलेस है, और जो नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है हम आगे स्लाइड में शो करेंगे उसे माइसीलिया बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइसीलिया एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। माइसीलिया जो करती है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है, या फिर जो कंपोस्ट मटेरियल होता है जिसमें हम ग्रो करते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट को अपटेक करती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल, इट डू नॉट रिक्वायर सनलाइट फॉर देयर ग्रोथ। तो इसमें क्लोरोफिल वाली तो कोई प्रोसेसिंग होती नहीं है, तो इट्स डोंट रिक्वायर्ड सनलाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भी कौन सी है जो सनलाइट की जरूरत नहीं है, तो अपना आ गया मशरूम। मशरूम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें बहुत अच्छे ये ऐसे माइक्रोब्स है जो अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए, मतलब हम सभी फंगस को तो नहीं खाते बट बात करते हैं मशरूम की, तो इसमें एक हेल्थ बेनिफिट भी बहुत अच्छा है और ह्यूमन हेल्थ के लिए ये अच्छी है, इसलिए अपनी डाइट में इसे लेना चाहिए। ये बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। ठीक है, मेन दो बातें थी, एक तो प्लेनस था और एक माइसीलियम था। ठीक है, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, किसमें बात की है, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है ये वाली, ठीक है, इसे बोला जाता है कैप, है ना, पाइलस। अब बात करते हैं स्कैल, ये छोटे छोटे इसमें एक होते हैं थ्रेड नुमायू, स्किन सी थोड़ी उखड़ी हुई होती है, उसे क्या बोला जाता है, स्कैल्स बोला जाता है। जो ये यहाँ नीचे हल्के से ब्राउन कलर के होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, गिल्स बोला जाता है। ठीक है, और फिर ये अटैच, हम स्टैम की बात कर रहे हैं, ये पूरा स्टैम है, बट अगर इसकी बात करें तो ये जो है ये क्या है, रिंग है। ठीक है, अब देखिए ये स्टैम हो गया है, यहाँ से पूछा जाता है, ये है वल्वा, जो कप लाइक स्ट्रक्चर होती है नीचे से, जो कप लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसके नीचे माइसीलिया की ग्रोथ होती है, वो जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसे वल्वा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइसीलिया थ्रेड की, तो आपको ये दिख रहा है लास्ट में, ये जो है लास्ट में जो सॉइल के साथ अटैच होते हैं यानी कंपोस्ट के साथ अटैच होते हैं वो क्या है, माइसीलिया। यानी माइसीलिया की अगर बात की जाए बेसिक दो तरीके से, ये सबसे नीचे वाला पार्ट है जहाँ ग्रोथ होती है फंगस की, माइसीलिया ही बोला जाता है, और सबसे ऊपर वाला जो पार्ट बनेगा कैप जो होती है वो कहाँ, हम ऊपर ही पहनते हैं ना, तो कैप लाइक स्ट्रक्चर जो होगी वो प्लेलस होगा। ठीक है, पाइलस होगा। क्लियर है इतनी बात, स्ट्रक्चर समझ में आनी चाहिए कि भाई क्या क्या इसकी एनाटॉमी जो है, इसकी स्ट्रक्चर है वो कैसी दिखती है फंगस की। क्लियर है यहाँ से, ये जो होंगे ये क्या होती हैं, अंदर छतरी के अंदर जो होते हैं ब्राउन कलर का अपियरेंस होता है वो क्या होती हैं, गिल्स होते हैं, और फुल्ली जब मेच्योर हो जाती है फंगस तो ये यहाँ से क्या पूरा ओपन हो जाता है और ये गिल्स क्लियरली दिखाई देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू की, जो अपनी मशरूम है उसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू इन द मशरूम। बेसिकली हमने चार पार्ट में इसे किया, प्रोटीन कितना होता है, कार्ब्स कितना होता है, फैट कितना होता है, और वाटर। सबसे ज्यादा जो होगा वो कितना होगा, वाटर होगा। 91% तक मशरूम में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करते हैं फैट की, 2.45% क्या होता है, फैट होता है। ठीक है, और बात करें कार्ब्स की तो विच इज वेरी लो अमाउंट, 1%, और फैट भी बहुत कम है, 2% के लमसम ही फैट होता है। और अगर बात करें प्रोटीन की, 3.7% प्रोटीन होती है। ये न्यूट्रिशन वैल्यू है, अगर ड्राइड वैसे करके देखें तो काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। ठीक है, 10 से लेके 30% के बीच में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब हम इसकी बात करेंगे कुछ हेल्थ बेनिफिट से रिलेटेड, कि हेल्थ बेनिफिट में क्या क्या रोल इम्पॉर्टेंट है मशरूम की। ठीक है, हेल्थ बेनिफिट ऑफ मशरूम, ये मशरूम है, इसको खाने से क्या क्या फायदे होंगे। ठीक है, सबसे पहली बात करें तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है, इसके बाद बात करें, ये रिच सोर्स है प्रोटीन का, और इसका प्रोटीन जो, जैसे पल्सेस बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का एज ए वेजिटेरियन में, बट पल्सेस जो होती है वो कॉम्पैक्ट प्रोटीन होता है। ठीक है, हमारी बॉडी को उस पर डाइजेस्ट करने में उसे बहुत टाइम लगता है, बट इन केस हम अगर मशरूम की बात करते हैं, मशरूम को जब हम खाते हैं तो ये प्रोटीन हमारी बॉडी में तुरंत काम करता है, तुरंत लग जाता है ना, तो इसीलिए, और इजी टू डाइजेस्ट है। ठीक है, क्योंकि वाटर कंटेंट इसमें 91% है। ठीक है, तो इजी टू डाइजेस्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्प लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो चर्बी है, जो वसा है, उसको क्या करता है, कम करता है। ठीक है, लो करता है। सेकंड हम बात करते हैं हेल्प टू ट्रीट एनीमिया,
रक्त की कमी है, एनीमिया वाले लोग हैं, उनके लिए भी ये ट्रीटमेंट करता है, यानी उनके लिए भी ये उपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प टू प्रिवेंट इन्फ्लेमेशन, जो सूजन, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, सूजन वाले जो एरिया है या फिर किसी को बाओबादी या फिर कोई किसी टाइप की स्वेलिंग कहीं होती है तो उसके लिए भी ये क्या है, बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये इसके हेल्थ बेनिफिट बता रहे हैं, इम्प्रूव बॉडी इम्यूनिटी, बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है। एड्स इन वेट लॉस, तो वेट लॉस के लिए तो है ही है, ठीक है। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, इसमें जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है, ठीक है, एब्जॉर्ब पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो आयरन है। गुड फॉर योर बॉडी बोन्स, या फिर गुड फॉर बोन्स, जो हड्डियां हैं, हड्डियों के विकास के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। गुड फॉर योर हार्ट, हार्ट के लिए भी अच्छा है, जब कैलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो हार्ट जो बीट है वो वैसे भी सही रहेगी, शुगर भी के लिए भी, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ठीक है, और अगर देखा जाए तो बीपी, ब्लड प्रेशर जो जिनके प्रॉब्लम है उनके लिए भी मशरूम बेनिफिशियल है। हेल्प टू फाइट कैंसर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और मैं स्पेशली आपको बता रही थी इसकी कुछ कुछ स्पीसीज तो ऐसी हैं, लाइक गाइनोडर्मा जो है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा मेडिसिनल पर्पज से किया जाता है, और इनकी जो प्राइस होती है वो भी लैक्स में होती हैं, ठीक है। पाउडर फॉर्म अगर बेचा जाए तो बहुत अच्छा मुनाफा है इसमें, ठीक है। तो ये जो क्रॉप है ये वैसे भी बहुत अच्छी है। अभी हम नेक्स्ट और हेल्थ बेनिफिट पे चलते हैं। मशरूम आर लो इन कैलोरीज, कैलोरीज इसमें लो है, हाई इन फाइबर, कंटेन मैनी इम्पॉर्टेंट विटामिन, कौन कौन से, विटामिन बी, बी में भी B1, B2, B6, B12 सारे प्रेजेंट होंगे, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी भी इसमें प्रेजेंट होता है ना, एस्कॉर्बिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, मिनरल्स, फॉस्फोरस, पोटाश, कैल्शियम एंड आयरन, कॉपर, सारे जो हैं ये इससे में प्रेजेंट होते हैं। तो इतना रिच अमाउंट है ये न्यूट्रिशन फूड, इसलिए इसे न्यूट्रिट फूड भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, दे कंटेन ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड नीड योर बॉडी, लाइक लाइसिन हुआ, ट्रिप्टोफिन हुआ, इनको भी हमारी बॉडी में अवेलेबल कराती है मशरूम, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन ड्राई मशरूम कुड बी 10 to लेके, अगर जो सूखा पाउडर फॉर्म में मशरूम है तो इसके लिए जो होगा वो 10 to लेके 30% ऑफ द टोटल मशरूम वेट, टोटल मशरूम वेट का 10-30% जो होगा वो क्या होगा, फिर प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू हो गई है। अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट पे, तो इंस्टीट्यूट अगर भारत में बोला जाए तो DMR, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, कहाँ पे है, सोलन, ये बिल्डिंग है, और देखो कुंभ अनुसंधान निदेशालय सोलन, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन, क्लियर है। ये जो है सोलन हिमाचल में है, और हिमाचल सोलन में, सोलन को मशरूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इट्स इम्पॉर्टेंट, मशरूम सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। वहाँ पे एक लेडी है विच इज़ बहुत ही अच्छा काम है उनका, उनका नाम है दिव्या रावत, शी इज़ अ गर्ल, और उन्होंने मशरूम पे इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा एंटरप्रेन्योर स्टार्ट किया है, इतना अच्छा बिजनेस किया है उन्होंने, उन्हें मशरूम लेडी ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है, मिस दिव्या रावत। और उन्होंने स्पॉन सेंटर भी खोला है, और काफ़ी महिलाओं को रोजगार मिलता है। देखो खुद का जब एंटरप्रेन्योर होता है तो बहुत सारे जो हम क्या करते हैं उसमें, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो वहाँ के लोग वैसे भी माइग्रेट होके दिल्ली शिफ्ट हो रहे थे, या फिर कैसे भी कमाने का सोर्स हर कोई, तो उन्होंने वहाँ कंपनी एस्टेब्लाइज करके वहाँ की महिलाओं को काम दिया, और इसी कारण, और आज उनकी कंपनी करोड़ों की है, टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, वो मशरूम को एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, और मेडिसिनल में भी उनका योगदान है काफ़ी, ठीक है। तो हर टाइप की मशरूम जो हमारे यहाँ कल्टिवेट की जाती है, और मशरूम जो है वो थ्रू आउट यानी 12 महीने आप उसे, क्योंकि आपको क्या करना है, बस उसके पैक्ड कंडीशन में रखना है, और उसके फेवरेबल अपन को क्या देना होता है, टेम्परेचर देना होता है बस, तो मशरूम का कल्टीवेशन करना आसान है। डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च याद कर लेना, सोलन हिमाचल प्रदेश में है, बहुत ही बेसिक है ये, और मशरूम सिटी ऑफ इंडिया जो बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, सोलन को बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मशरूम की, मशरूम कितने प्रकार का होता है।
पहले हमने बात की थी, मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था, टू टाइप है, एक तो एडिबल है और एक नॉन एडिबल है। नॉन एडिबल जो होगा वो पॉइजनस मशरूम है, खाने योग्य नहीं है वो, ठीक है, और एडिबल जो है वो क्या है, खाने योग्य मशरूम है। टाइप ऑफ मशरूम में बात करते हैं फर्स्ट एडिबल मशरूम की, ठीक है, खाने योग्य मशरूम, बास्केट बिल्कुल फुल भरी हुई है, स्पीसीज है ये इसकी, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं विच इज वेरी फेमस, दैट इज बटन मशरूम। मोर देन 90% एरिया पे जो कल्टीवेट किया जाता है, फार्मर्स जो अडॉप्ट करते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है बटन मशरूम को, और अभी जो विंटर्स स्टार्टिंग है, अभी जो मार्केट में आ रही है वो भी सबसे ज़्यादा क्या आती हैं, पैक्ड होके बटन मशरूम ही आती हैं, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम अच्छे से याद कर लीजिएगा, दैट इज अगैरिकस बाइस्पोलर्स, ठीक है, बिस्पोरस, अगैरिकस बिस्पोरस, और ये जो है स्ट्रक्चर ये किसकी है, बटन मशरूम की है, जो कि हाईली कल्टीवेट की जाती है इंडिया में। अगर बोला जाए पंजाब के फार्मर काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं, हरियाणा के फार्मर, हिमाचल भी हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, और फिर बिहार की तरफ भी है मशरूम का कल्टीवेशन, आजकल डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है ना, गुजरात है तो यहाँ पे। सेकंड नंबर पे हम बात कर रहे हैं, अभी हम किसकी पढ़ रहे हैं, एडिबल मशरूम की बात कर रहे हैं। एडिबल में हमने फर्स्ट क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है बटन मशरूम को, ठीक है, अगैरिकस बाइस्पोरस को। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रिच मशरूम। ऑस्टर को क्या बोला जाता है, ढींगरी मशरूम भी बोला जाता है, ठीक है। लोकल नेम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये नाम भी आपको याद करना है, दैट इज ढींगरी मशरूम। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, प्लूटोरस ऑस्ट्रेरस, तो ये तो नाम वैसे ही याद हो जाएगा, ऑस्टर मशरूम है और क्या नाम है, प्लूटोरस ऑस्ट्रस, ठीक है। एडिबल मशरूम का हमें वैसे भी याद ही करना है, द ऑस्ट्रिच मशरूम इज वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल फंगस ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन रिच फूड, ठीक है, बहुत अच्छा प्रोटीन होता है इसमें। बात की जाए वेरियस एग्रो वेस्ट विदाउट कंपोस्टिंग, ठीक है, एग्रो वेस्टेज में हम कर सकते हैं, और ये जो फोटो है ये किसकी है, ये ऑस्ट्रस मशरूम की है, जिसे क्या बोला जाता है, ढींगरी बोला जाता है, ढींगरी खुम्बी या मशरूम, ठीक है, क्लियर है। अब हम कल्टीवेशन भी पढ़ेंगे, इसका पूरा अलग है, बटन मशरूम का अलग है। अब हम बात करते हैं मिल्की मशरूम की। मिल्की मशरूम जो है इसका नाम क्या है, कैलोसाइब इंडिका, क्या है, कैलोसाइब इंडिका। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये, इसका जो स्टेम होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है और ऊपर से ऐसी होती है, बिल्कुल वाइट कलर की होती है, दैट इज मिल्की मशरूम, ठीक है। बटन मशरूम भी बिल्कुल वाइट होती है और ये मिल्की है। अब हम बात कर रहे हैं पैडी स्ट्रॉ मशरूम की। हमने तीन पढ़ी है, फर्स्ट हमने पढ़ी है बटन मशरूम को, सेकंड हमने पढ़ा है ऑस्ट्रस या ढींगरी मशरूम को, थर्ड हमने पढ़ा है मिल्की मशरूम को, और फोर्थ जो हम पढ़ रहे हैं वो पैडी स्ट्रॉ, एडिबल में ही पढ़ रहे हैं पैडी स्ट्रॉ मशरूम को, ठीक है। ये ज़्यादा तो नहीं होती है, कमर्शली अगर मैंने बोला है तो तीन ही होती है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो होती है वो बटन मशरूम थी, ठीक है। इसका नाम है वॉल्वेरेला वोलासिया, ठीक है। तो ये जो है ये पैडी स्ट्रॉ मशरूम है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर आप देखिएगा, और मशरूम की मोस्टली जो स्ट्रक्चर होती है सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, कोई कलर वाइज डिफरेंट होता है, कोई शेप वाइज डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है इनकी, है ना, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है बेसिक अलग अलग होती है। अब है शीतेक मशरूम जो है ब्राउन कलर की होती है, डार्क कलर होता है इसका, ठीक है। इसका जो नाम है लैंटिनुला एंडोडस, तो ये जो है स्ट्रक्चर, ये जो दिख रही है हमें स्लाइड में, वो है सितेक मशरूम, ठीक है। इसकी भी मेडिसिनल वैल्यू है, कल्टीवेट थोड़ा कम होती है, बट बड़े बड़े होटल्स या रेस्टोरेंट में जाना जाए तो सब ही मशरूम की जो है, फिर आपको नाम दे के बोलना पड़ता है भी इस मशरूम की आपको कुछ चाहिए, रेसिपी चाहिए, तो वो अवेलेबल होती है, ठीक है। मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मशरूम जो मैं आपको बता रही थी, दैट इज़ गाइनोडर्मा स्पीशीज, ठीक है। ऋषि मशरूम जो है इसका नाम है गाइनोडर्मा ल्यूसीडम। ये जो है ये मेडिकल प्रॉपर्टीज की बहुत अच्छी है, मेडिसिन के लिए यूज है, ठीक है, दवाइयों के लिए।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल मशरूम इन द वर्ल्ड, ठीक है, इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा इसे. रिशिज इज रिपोर्टेड टू पोज अ प्लेथोरा ऑफ वेरी सिग्निफिकेंस मेडिसिनल वैल्यू लाइक एंटी कैंसर, एंटी HIV, एंटी हार्ट अटैक, ठीक है, ब्लड प्रेशर को भी बहुत हद तक कम कर देती है ये, एंटी हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती है, एज वेल एंटी एंगोस्टिक, हेपो और थेपोफोराइड, यानी ये जो है जो हमारी किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, किडनी से रिलेटेड उनको भी, यानी किडनी को क्लीन करने का काम भी करती है, ठीक है. और बाई जो हाइपोग्लाइसेमिक यानी एंटी डायबिटिक भी होती है और एंटी टॉक्सिस भी होती है. इतने सारे फीचर, और आजकल देखा जाए तो मोस्टली लोगों में यही सारी बीमारियां हैं, और सिर्फ बिकॉज ऑफ फूड हैबिट, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा रैंडमली, इतना फास्ट लाइफस्टाइल हो गया है, फूड हैबिट्स बिल्कुल चेंज है, ठीक है. पहले वाले लोग बहुत अच्छा खाते थे तो वो इतने ज़्यादा स्वस्थ रहते थे. इतना बिजी लाइफ के साथ साथ फूड हैबिट, जो हमारा एनर्जी सोर्स होता है, उसने हमने उसे क्या बोल कर दिया है, बहुत ही गंदा कर दिया है, उस कारण ये सारी प्रॉब्लम हो रही है. बट प्रकृति जो होती है वो हमेशा हर एक चीज़ को फेवर करती है, हर चीज़ को बैलेंस करती है, ठीक है. तो नेचर में कुछ ऐसी औषधीय रूप के फल भी हैं, या फिर कुछ भी बोलिए आप, किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे वो ग्रेन्स हो सकते हैं, मे बी पल्सेस हो सकते हैं, मे बी मशरूम है ना. तो इतनी सारी, अब जैसे मिलेट्स की बात करें, मिलेट्स भी एक टॉपिक है, मिलेट्स भी है, वो भी बहुत ज़्यादा एंटी, उसमें भी बहुत अच्छे गुण होते हैं कंपैरिजन टू राइस एंड वीट के. बट हमारे डे टू डे लाइफ में आजकल वीट और राइस ज़्यादा थाली में ज़्यादा है, ठीक है. तो हमें वही बैलेंस करके चलना है कि हमारा जो भोजन है वो किस प्रकार होना चाहिए, ठीक है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका मेडिसिनल यूजेस है वो आपको पता है, मेडिसिन में है, दवाइयों में है, ठीक है. दिस इज गाइनोडर्मा, और इसका पाउडर भी लैक्स में जाता है, ठीक है. और प्रोसेसिंग सीखनी होती है, स्पॉन की बात करें, स्पॉन रेडी करवाना होता है या फिर जैसे भी अवेलेबल हो. बाकी हम कल्टिवेशन पढ़ेंगे तो आगे देखते हैं, ठीक है. अब बात करते हैं, दो मैंने स्पीसीज दे रखी है पॉइजनस की. वैसे अगर देखा जाए तो जितनी भी मशरूम्स हैं, खाने वाली एडिबल वाली हमने पढ़ ली है, इसके अलावा जो भी होगी वो पॉइजनस ही होगी, ठीक है. फर्स्ट है, दिस इज अमानतिया अमानिता फेलोडस, ठीक है. फेलोडस जो स्पीसीज है, ये जो है ये पॉइजनस मशरूम है, ठीक है. ये है पॉइजनस मशरूम, इसमें बेनिफिशियल के बेनिफिशियल कुछ नहीं होता है, ये टॉक्सिस इफेक्ट देती हैं, ठीक है. ये है ट्राइकोलोमा म्यूजिकरम, तो ये जो स्पीसीज है ट्राइकोलोमा म्यूजिकरम, आपने ऐसी छतरियां मैं अपन देख सकते हैं कि हमने हर जगह देखी होगी, जब भी हम बारिश के बाद जब जाते हैं इनके लिए, ये रातों रात क्या हो जाती है ना. अगर देखा जाए तो कई क्षेत्रों में जो मशरूम है उनकी सब्जी बहुत टेस्टी है ना, और भी डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनाई जाती हैं, दैट इज वेरी गुड. मशरूम की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की, मशरूम ग्रोइंग हाउस, ठीक है. किस प्रकार का स्ट्रक्चर होना चाहिए, देखिए. एक तो होता है नॉर्मली, अब देखा जाए इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया की जो, एज यू नो दैट, लैंड होल्डिंग साइज भी कम है, और फार्मर्स जो है हमारे यहाँ मार्जिनल और स्मॉल फार्मर की मात्रा ज़्यादा है, तो उनके लिए एज ए ऑटोमेटिक फुली कंट्रोल्ड वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुटेबल नहीं होता है. वो एक हट टाइप में, यानी एक टेम्परेरी होता है, हाउस होता है, या हट बोल दीजिए, झोपड़ी बोल दीजिए, उसमें कल्टिवेट कर सकते हैं. और ये बहुत ही आसानी से कल्टिवेट हो जाती है उस वाले में. उसमें क्या किया जाता है, बैम्बोज की लकड़ी चाहिए होती है, बांस की लकड़ियाँ, छपरे के लिए आप कोई भी है ना, जो झाड़ी नुमा पौधा या फिर डस्क देख लीजिए, स्ट्रॉ देख लीजिए, है ना. और पॉलीथिन जो शीट होती है उसकी नीड होती है, और रैक्स बनाने के लिए तो वो बैम्बू रैक्स ही बन जाती हैं. और अगर दूसरा मटेरियल यूज़ करना है तो रैक्स दूसरे मटेरियल के भी आप ले सकते हैं, ठीक है. फिर क्या करते हैं, हट बना दी. लाइक जो स्टैंडर्ड साइज होता है हट का, वो 60x30x10 होता है, इंटू 10 फिट, यानी 60 मीटर जो होगी वो लंबाई होगी, चौड़ाई जो होगी वो 30 फिट होगी, और अगर बात करें ऊंचाई जो होगी स्टैंडर्ड वे में, ताकि वेंटिलेशन जो है वो, और जो जितनी भी गैसेस हैं उनका जो कंसंट्रेशन है वो इजीली वेंटिलेट भी हो जाए, और अगर CO2 स्टोर करनी है तो वो भी. तो वो जो रखते हैं हाइट, वो 10 फिट रखते हैं, ठीक है.
तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड हो गया है। एक झोपड़ी में लगभग 10 टन के लगभग कंपोस्ट लग जाता है, 10 टन्स, ठीक है, कंपोस्ट। और इस 10 टन से कम 2 से लेकर 2.5 टन जो है वो क्या मिल जाती है, मशरूम मिल जाती है, ठीक है। और मशरूम की अगर कीमत का अंदाजा लगाएं तो लमसम जैसे 250 ग्राम का जो पैकेट मिलता है वो 40 रुपए का मिलता है, नॉर्मल वे में अगर बोला जाए। बट अगर देखा जाए, कम से कम अगर मूल्य भी लगाया जाए तो 100 रुपए किलो तो भाव होगा ही होगा, इससे नीचे तो होगा ही नहीं, ठीक है, मिनिमम। तो उसमें भी किसान को एक हट से कम 1.5 लाख या फिर 1,70,000-80,000 का मुनाफा हो जाता है विद उसकी कोस्ट को निकाल के, ठीक है। तो इसका जो करना और वो भी आपको 2 to 3 months में, ठीक है। देखिए, इसके लिए ये फाइनल हट है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जाता है, ठीक है, बैम्बो रैक से कर दो। इसमें जो रॉ लगाएंगे, अब जैसे ये रूम है, ठीक है, 16x30x10 का, तो इसमें जो रॉ लगाएंगे जहाँ कैंस रखे जाते हैं, अपनी पॉली बैग्स रखी जाती है, वो कम से कम 4 रॉ लग जाएंगी। हर एक रॉ में आने जाने का स्पेस होना चाहिए, 2.5 फिट जो है वो अपन क्या कर देंगे, स्पेस छोड़ देंगे, ताकि इंसान आराम से वहाँ पे अगर आगे फर्दर हार्वेस्टिंग करनी हो तो आसानी से हार्वेस्टिंग हो जाए और प्रॉपर एक घूमने के लिए या फिर संभालने के लिए एक जगह हो, स्पेस हो थोड़ा एक चलने के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये आपको मिल्की मशरूम लग रही है, ठीक है। और फाइनल जो स्ट्रक्चर है वो ये रहा। इस टाइप की हर टाइप में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बटन मशरूम की क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात करें, किंगडम है इसका फंगी, क्योंकि ये क्या है, फंगी ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम जो है वो इसका क्या है, बेसिडियो माइकोटा, ठीक है, क्या है, बेसिडियो माइकोटा। तो ये लिटरेचर बेस में इंपॉर्टेंट है, बच्चों के एग्जाम में आ सकता है, विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लास जो होगी वो क्या होगा, एगरिको माइकोसिटीज, ठीक है, एगरिको माइकोसिटीज। नेक्स्ट ऑर्डर जो हैगा एगेरिकस होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, इसका नाम ही क्या है, एगेरिकस बाइस्पोलर्स। फैमिली क्या है, एगेरिकेसिएसी। और जीनस जो होगा वो क्या हो, एगेरिकस होगा। और स्पीसीज जो होती है वो बिस्पोलर्स होती है, ठीक है। और यही उसका बॉटनिकल नेम है। और बॉटनिकल नेम में आगे वाला जो होता है वो क्या होता है, जीनस होता है, और पीछे वाला जो होता है वो क्या होती है, स्पीसीज होती है, ठीक है। आपको क्या याद करना है, किंगडम क्या है, फंगी किंगडम है, ठीक है, याद ही है ये तो बिल्कुल। फाइलम जो होगा वो क्या होगा, बाइसिडियोमाइसिस्ड होगा, ठीक है, बेसिडियोमाइकोटा होगा, ठीक है। क्लास जो होगी वो एगेरिकोमाइसिटीज होगी। ऑर्डर होगा एगेरिकलस होगा। फैमिली होगी एगेरिकेसिसी फैमिली होगी, ठीक है। नाम याद हो गए, बटन मशरूम की हमने बात की है। पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये जो है ये बटन मशरूम है। अब हम स्टार्ट करते हैं वेराइटीज को, वेराइटीज को देख लेते हैं। वेराइटीज ज्यादा नहीं है, वेराइटी अगर बात करें UT1 UT2, हाँ, UT2 that is BM2 released in 2002, 2002 में released हुई थी, are the two strain of button mushroom related to commercially mushroom cultivation by the scientist of horticulture research station। कहाँ के scientist थे ये, तमिलनाडु agriculture university के, TNU के थे, ठीक है, और विजयनगर ऊटी, ठीक है। तो यहाँ से ये release हुई है, which is very simple, UT1 and UT2, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है BM2, 2002 में। The strains which are mostly cultivated in India, कौन सी ऐसी है जो mostly cultivate की जाती है, S11, TM79 and Horst H3, ये कुछ important strains है जो cultivate किया जाता है इंडिया में, ठीक है। तो वैरायटीज का पोर्शन हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, क्या क्या कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस करनी है हमें, ठीक है। शुरुआत करेंगे तो कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिलेक्शन हमें करना है साइट का, कि हमें वो जो हट लगानी है वो कहाँ लगानी है, साइट कैसा होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, साइट सिटी के अंदर नहीं होना चाहिए, म्युनिसिपल वालों का मतलब, क्योंकि अगर आप फॉर्डर और ये हल्की सी भी स्मेल आती है तो कहीं से भी शिकायत हो सकती है, तो बिल्कुल सिटी के अंदर नहीं होनी चाहिए, हल्का सा बाहर होनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा,
बाहर ऐसा नहीं है कि बहुत ही अंदर हो, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लोकेशन की लोकेशन साइट का आपको सिलेक्शन करना है, उसके बाद साइट पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की, यानी रोड होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वाटर की, क्योंकि आपको इसको जो अपना कंपोस्ट बनाएंगे उस समय पानी से उसे धोना होता है, पानी इस पे छिड़कना होता है, जब हम मशरूम को ग्रो करते हैं कास्टिंग करके जब हम पैक करते हैं पॉलीथिन में तब भी हमें उस पे थोड़ा सा मॉइस्चर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खेल इसमें इम्पॉर्टेंट है वो एक तो कंपोस्ट का है, लोकेशन का है, और इसमें क्या है स्पॉन का भी होगा ही होगा, और इसमें मॉइस्चर का है, ठीक है, और फेवरेबल टेम्परेचर इसे मिलना चाहिए ग्रोइंग के लिए, तो ये वाली चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा जो लेबर कॉस्ट है यानी लेबर इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप हार्वेस्ट करते हैं उसके पास में आपके नियर बाई मार्केट होना चाहिए, क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लिया है, आपने ग्रो कर लिया है, बट अगर आपके पास नियर बाई मार्केट नहीं है तो आप अपना माल कहाँ बेचोगे, है ना, अपना जो प्रोडक्ट है वो कहाँ बेचोगे, तो नियर बाई आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, आपका थोड़ा बहुत मार्केट होना चाहिए, ठीक है। ये सिलेक्शन ऑफ लोकेशन की बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कल्टीवेशन और प्रैक्टिसेस क्या करनी है। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे। प्रोडक्शन ऑफ मशरूम स्पान, मशरूम स्पान का प्रोडक्शन ये कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में है। पहली बात, अगर ये थोड़ा कोस्टिंग हाई पड़ जाती है तो हमें क्या करना है, फिर तो प्रोडक्शन कोई कर सकता है, तो एज यूजुअल हम फ्लो चार्ट में देखेंगे कि भी कैसे प्रोडक्शन होता है स्पान का। स्पान क्या होता है, जो मशरूम के सीड्स होते हैं ना, बीज होते हैं, उन्हीं को स्पान बोला जाता है, ठीक है। जो साइंटिफिक टर्म है वो क्या है, स्पॉन बोला जाता है इसे, क्लियर। फिर हम बात करते हैं, ये जो है ये कई लैब्स जो है वो तैयार भी कर रही हैं, इंस्टीट्यूट डीएमआर डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च से भी आप कॉन्टैक्ट करके स्पॉन को मंगा सकते हैं, ठीक है। और कई गवर्नमेंट है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छा वर्क कर रही है मशरूम पे, तो वहाँ के इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्ट की। तो सबसे पहले मशरूम स्पान हो गया, फिर सब्सट्रैक्ट हो गया, यानी आपको कंपोस्टिंग कैसे रेडी करनी है, क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है, तो वो एक सब्सट्रैक्ट में आ गया, ठीक है, कि किस प्रकार आपको फॉडर लाना है, फिर उसकी कटाई करनी है, फिर उसको वाटर कितने दिन, और फिर उसके बाद में क्या क्या फ्यूमिगेट करना है उसमें, कैसे आपको उसको ढकना है, कितने दिन के बाद पलटाई करनी है, तो मिक्सिंग ऑफ मतलब कंपोस्टिंग तैयार करना लास्ट। फिर हम सेकंड जो ऑप्शन है बैड प्रिपरेशन, बैड प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, भूसे को कैसे आपको करना है, कैसे पलटाई, कितना कितना करना है। फिर हम बात करते हैं बैड प्रिपरेशन में जो फ्लोर होना चाहिए वो कच्चा फ्लोर नहीं होना चाहिए, पक्का फ्लोर होना चाहिए, ठीक है। कास्टिंग की बात करते हैं, कास्टिंग होता है जब मैन्यूर के बाद, यानी जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है कंपोस्ट करने के बाद जब हम स्पान डालते हैं उसके बाद ग्रोथ के 5-10 दिन के बाद एक ऊपर लेयर बिछाई जाती है जिसमें जो गोबर पूरा स्टरलाइज किया जाता है इस कास्टिंग मिक्सचर को, एक पतली सी लेयर बिछाई जाती है, वही जो होती है न्यूट्रिशन, फिर उस पर मॉइस्चर दिया जाता है, है ना, फिर ये जो काम करती है हमारी जो खुम्बी होती है मशरूम होती है वो इजीली ग्रो हो जाती है, ठीक है। कास्टिंग प्रोसेस है, देखेंगे हम। फिर है क्रॉपिंग, कास्टिंग के बाद क्या हमारी क्रॉप जो है वो इमर्ज हो जाती है, यानी मशरूम जो है वो आराम से कल्टीवेट यानी ग्रो होने वाला, ग्रो वाला क्रॉपिंग वाला या फ्रूटिंग वाला जो पीरियड है वो ये क्रॉपिंग है, ठीक है, कि क्रॉप हमारी क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है, ग्रोथ कर रही है, ठीक है। फिर बाद में कैसे हमें हार्वेस्टिंग करनी है क्रॉप की, तो हार्वेस्टिंग में भी हम ट्रिक बताते हैं कि ऐसे ही नहीं है डायरेक्ट आपने उखाड़ लिया, हल्का सा बटन मशरूम में क्या है ट्विस्ट कर दो और फिर वो जो उखड़ जाती है, और फिर उसका जो अपना सॉइल है या कंपोस्ट है उसको थोड़ा सा क्लीन करके और फिर पैकिंग कर दी जाती है। लास्ट है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग पे भी बात करेंगे। तो ये जो है ये कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं कि ये प्रोसेस के थ्रू हम होके गुजरते हैं इसमें, और उसके बाद जो है वो मशरूम कल्टीवेट होती है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ मशरूम स्पान, सब्सट्रैक्ट या कंपोस्टिंग बोल दे, बैड प्रिपरेशन है, कास्टिंग है, उसके बाद हमारा क्रॉपिंग है, हार्वेस्टिंग एंड आफ्टर दैट प्रोसेसिंग एंड उसके बाई प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, उप उत्पाद जो बनते हैं उसके बारे में है। चलिए अब हम बात करते हैं स्पॉन प्रिपरेशन पे। फर्स्ट हमारा जो है वो क्या है, स्पॉन प्रिपरेशन।
स्पॉन को मैंने आपको इजी वे में बताया कि सीड को, मतलब जो फंगस के सीड भी नहीं बोलते, स्पॉन ही बोलते हैं ना, माइसीलिया को ग्रोथ करना, ठीक है। स्पॉन इज द लिविंग फंगल कल्चर कॉल्ड माइसीलियम। इस लाइन को अच्छे से देख लीजिएगा, स्पॉन इज द लिविंग फंगस कल्चर, एक लिविंग फंगस कवक का कल्चर है जिसे माइसीलियम बोला जाता है, ठीक है। ग्रो ऑन टू अ सबस्ट्रैक्ट, ये किसी सबस्ट्रैक्ट पे, यानी कोई सामग्री होती होगी, कोई दाना होता होगा या कुछ भी मटीरियल होता होगा, उस पर ये ग्रो होती है। फंगस ऐसे ही तो नहीं होती है ना, जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा अचार पे भी फंगस आती है, तो वो कंडीशन क्या होती है, जब वो तेल में डूबा हुआ होता है तब नहीं आती है, जैसे ही वो ऊपर होगा, मॉइस्चर लगेगा, उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, वैसे ही फंगस क्या करेगी, अपनी ग्रोथ कर लेती है, ठीक है। कहीं पे भी मॉइस्चर, बारिश के दिनों में देखा होगा जो कपड़ों की अलमारी होती है, हल्का सा पसीना या मॉइस्चर अगर ज़्यादा हो जाए वहाँ पे, तो फिर क्या होती है, फंगस की क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए कोई सब्सट्रैक्ट तो चाहिए ही होता है। इट इम्प्रूव द बैकबोन ऑफ एनी मशरूम ग्रोइंग ऑपरेशन। तो स्पॉन बिना तो हम कैसे, हाउ टू कल्टिवेट, स्पॉन के बिना तो हम कल्टिवेट कर ही नहीं पाएंगे, तो ये बैकबोन है ना कोई भी मशरूम ग्रोइंग ऑपरेशन की। फर्स्ट लाइन मे बी सबको क्लियर होगी होगी, ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल। इसके लिए क्या जरूरत होती है, स्पॉन प्रिपरेशन के लिए हमें जरूरत होती है ग्रेन्स की, ठीक है। ग्रेन्स में वो वीट का ग्रेन भी हो सकता है, राइस का ग्रेन भी हो सकता है, सॉरी वीट का हो सकता है, वो सोरगम हो सकता है, या फिर राई जो होती है उसका हो सकता है, ठीक है। जितना भी दाना, कई जगह राई पे ग्रो किया जाता है, कई जगह वीट पे मोस्टली किया जाता है, और सोरगम पे भी बहुत किया जाता है। साउथ में सोरगम पे किया जाता है, कि वहाँ बोला जाता है कि इस पे जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, राई पे भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, क्लियर है। और वीट तो है ही है, आर द बेस्ट सब्सट्रैक्ट फॉर एक्सीलेंट ग्रोथ ऑफ द फंगस। तो ये लाइन बोल दी है, सब्सट्रैक्ट का मतलब ही क्या है, कुछ ऐसा चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे आपको पिक्चर में शो कराया हुआ है कि वीट के ग्रेन है, और यहाँ पे जो माइसीलिया है, माइसीलियम जो है, उसने अपनी ग्रोथ बहुत ही अच्छी दिखाई है, ठीक है। अब इन्हीं को, यही जो कहलाएंगे ये बाद में, ये माइसीलिया पूरे पूरे ग्रेन्स पे अपना वो कर देगा, कवर हो जाएगा, और फिर इसी को क्या बोला जाता है, स्पॉन बोला जाता है, ठीक है। इसी को हम फिर कंपोस्टिंग में आगे कल्चर करते हैं। डिजीज फ्री ग्रेन आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग स्पॉन मटेरियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजीज वाले ग्रेन नहीं होने चाहिए, डिजीज फ्री होने चाहिए, अदरवाइज फंगस हमारी जो मशरूम होगी वो भी इफेक्ट आएगा। डिजीज लग गई तो आप सोच सकते हैं बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ये जो होगा, डिजीज फ्री ग्रेन्स होने चाहिए, क्लीन होना चाहिए, है ना, मॉइस्चर भी जो 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 सुटेबल है इसके लिए वैसे होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं प्रोसेसिंग पे। स्पॉन प्रिपरेशन के लिए क्या होता है, सबसे पहले व्हाइट सोरगम ग्रेन ले लो, वीट ग्रेन ले लो, या राई ले लो, एज यू मच, ठीक है, जो भी अवेलेबल हो वो। फिर उन ग्रेन को सेकंड प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है 30 मिनट्स तक, क्योंकि हमें क्या करना है, डिजीज फ्री बनाना है, और उनको थोड़ा सा सॉफ्ट किया जाता है, सॉफ्टन किया जाता है, ठीक है, ताकि मॉइस्चर भी और अंदर ग्रोथ भी बहुत अच्छी आ जाए। उसके बाद देखिएगा शेड ड्राइंग, मतलब धूप में नहीं, छायादार स्थान पे सुखा देना चाहिए, और उसमें कुछ मॉइस्चर कंटेन बचा भी होना चाहिए, तो छायादार स्थान पे क्या करते हैं, सुखा देते हैं। उसके बाद जो फोर्थ नंबर प्रोसेसिंग करते हैं, मिक्सिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या मिक्सिंग करते हैं हम इसमें, ठीक है, 20 ग्राम पर केजी के साथ, कितने, 20 ग्राम CaCO3 का यूज करते हैं पर केजी सीड के साथ, या पर केजी वीट ले लो, सोरगम ले लो, एज यू मच, जो भी आप ले रहे हो उसके लिए, ठीक है। फोर्थ पे PVC रिंग, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड की रिंग होती है, ये कोई भी टाइट करने वाली, जो उस, क्योंकि माइसीलियम में क्या है, एनएरोबिक कंडीशन में हमें उसे रखना है, वायु रहित होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर जो बॉटल्स, जिस बॉटल में हम माइसीलिया की ग्रोथ कराएंगे, माइसीलियम की, वो प्रॉपर सील पैक होनी चाहिए, है ना। तो PVC रिंग डाल देते हैं। उसके बाद स्टेप वन में ये पॉलीथीन, ये देख रहे हैं आप, पॉलीथीन को सेट कर रहे हैं थ्रेड को लेके एक तरफ से। सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या किया है, ये पॉलीथीन है, दोनों तरफ से खुली है, तो एक तरफ से उसे क्या कर दिया है, बांध दिया है, थ्रेड जो होता है, धागा होता है, उससे बांध दिया है। थर्ड में क्या कर रहे हैं, ऊपर से एक तरफ से बंधा है, यानी एक तरफ से तो थैली का मुंह पैक है, और एक तरफ से खुला है, ठीक है। तो जहां से खुला है वहां पे
ये स्टेप में दिखाया हुआ है, खुला मुंह है। फिर लास्ट जो स्टेप है, फिलिंग ऑफ बैग विद ग्रेन। अब जो ये ग्रेन है CaCO3 से कल्चर करके इन ग्रेन्स को क्या किया जाता है, उस पॉलीथीन बैग में भर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है। ठीक है, पूरा नहीं करेंगे, 3/4 करेंगे, फिल कर दिया जाएगा ग्रेन्स को। और फिर ग्रेन्स को PVC रिंग की जाती है, बांध दिया जाता है, PVC रिंग डाल दिया जाता है। और उसके बाद प्लग विद नॉन एब्जॉर्ब्ड कॉटन, जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, नॉन एब्जॉर्ब्ड कॉटन जो होती है वो उस प्लग में मतलब डाल दी जाती है। मैं बोल रही हूँ ना, कहीं से भी प्रॉपर एयर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, अन एरोबिक कंडीशन होनी चाहिए। तो पूरा उसे बांध दिया जाता है, पहले तो PVC रिंग डाल दी, फिर उसमें कॉटन बॉल और डाल दी, और फिर उसे पूरा पैक कर दिया। ये है कवर विद पेपर एंड टाइंग विद थ्रेड्स, ठीक है। तो पेपर से कवर करके कॉटन बॉल से, और फिर क्या कर दिया, टाइंग यानी फिर लटका दिया। और कुछ टाइम के बाद स्टोर इन ट्रे, कुछ टाइम के बाद ये जो माइसीलिया है ये पूरे ग्रेन्स पे अपना क्या कर लेती है, फैलाव कर लेती है, और वही जो है वो हमारे स्पान जो होते हैं वो रेडी हो जाते हैं, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस क्लियर है, हम फ्लो चार्ट से भी समझेंगे, बट बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ग्रेन्स लेना है, 30 मिनट्स तक बॉयल करना है, छायादार स्थान पे उन्हें सुखाना है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट या फिर CaCO3 जो है 20 ग्राम पर kg के साथ हमें क्या करना है, मिक्सिंग कर देना है ग्रेन में, ठीक है। उसके बाद पॉलीथीन लेनी है, थ्रेड से टाई करना है, PVC रिंग, फिर हमें थोड़ा सा ग्रेन भरना है, PVC रिंग से पैक कर देना है, कॉटन बॉल को अंदर से पैक कर देना है, ऊपर से कहीं पे भी एयर नहीं आनी चाहिए इस वे में। और फिर उसके बाद में हमें रख देना है कंडीशन में कुछ दिनों के लिए, 15-20 दिनों के लिए। और उसके बाद जो है माइसीलिया पूरा ग्रोथ कर लेता है, जो हमारे स्पॉन होते हैं वो बिल्कुल रेडी होते हैं, ठीक है। ऑटोक्लेव भी किया जाता है, वो आगे फर्दर और प्रोसेस है। अब हम स्पॉन प्रिपरेशन की फ्लो चार्ट के थ्रू हम क्या पढ़ेंगे, हम इसका कल्टिवेशन या स्पॉन कैसे प्रिपेयर करते हैं उसकी बात करते हैं, क्लियर है। चलिए, हम फ्लो चार्ट में फर्स्ट स्टेप जो है, स्टेप इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ स्पॉन, फर्स्ट है क्वालिटी, गुड क्वालिटी ऑफ ग्रेन, कि जो ग्रेन ले रहे हैं वो डिजीज फ्री होने चाहिए, कहीं से भी वो डिस्ट्रॉयड नहीं होने चाहिए, यानी फुल साइज का ग्रेन होना चाहिए, ठीक है। तो गुड ग्रेन्स अवेलेबल होने चाहिए, गुड ग्रेन्स लो, ठीक है। क्लीन एंड ड्राई व्हीट ग्रेन, तो हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, क्लीन करना है ग्रेन्स को और ड्राइंग करना है, क्लियर है। थर्ड है सोक्ड इन वाटर 8 to 10 hours, 8 से 10 घंटे के लिए उन्हें क्या करना देना है, वाटर में सोक कर देना है, ठीक है। उसके बाद बॉइल्ड द व्हीट ग्रेन अप टू दे बिकम सॉफ्ट, अवॉइड स्प्लिटिंग। देखिएगा हमें कब तक बॉइल करना है, देख जैसे कि 30 मिनट लिखा हुआ था मिनिमम, बाकी कंपैरिजन ग्रेन टू ग्रेन रिफर करता है ये। हमें सिर्फ अनाज को या दाने को तब तक बॉइल करना है तब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए, ऐसा नहीं है स्प्लिट यानी टूटने लग जाए, ठीक है। तब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए तब तक बस बॉइल करो, बाकी जो छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमूव एक्सेस वाटर, ठीक है, एक्सेस जो वाटर है उसे रिमूव करना है। इसीलिए हम प्रोसेस में क्या कर रहे थे, शेड वाले स्थान पे क्या कर रहे थे, उसे ड्राइंग कर रहे थे, ठीक है, सोकिंग के बाद। नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, स्प्रेड ऑन प्लास्टिक शीट एंड एड 4% कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 जो है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, 4% से डालना चाहिए अपने ग्रेन्स पे। नेक्स्ट जो है फिल इन कॉनिकल फ्लैक्स, अब जो हमारा ग्रेन है, देखो चाहे तो आप पॉलीथिन में भी, अगर कॉनिकल फ्लैक्स नहीं है, अगर स्पॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कई अगर देसी वे में, अगर लैब में, वैसे भी इसके लिए एक इनरोल्ड ऑटो मतलब ऑटोमेटिक एक लैब होती है, लैब में ही 4 चैम्बर होते हैं अलग अलग, और बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ स्पॉन रेडी होता है ना, इतना आसान नहीं है स्पॉन को रेडी करना, इसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशन यूज होते हैं, ठीक है, मतलब बाहर का कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं आना चाहिए, क्लीनिंग का बहुत, हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आप किसको ग्रो कर रहे हो, माइसीलिया को, फंगस को ग्रो कर रहे हो, ठीक है, अदरवाइज वो टॉक्सिस भी हो सकती है। फिल इन कॉनिकल फ्लास्क प्लग्ड विद नॉन एब्जॉर्बेड कॉटन, और आपको उन ग्रेन्स को कॉनिकल फ्लास्क में फिल करना है, और ऊपर से कॉटन, एब्जॉर्ब जो कॉटन होती है उससे पैक कर देना है, ठीक है।
कीप्ड इन ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव में रख देना है 50 IBS प्रेशर पे और 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। ऑटोक्लेव जो मशीन है उसमें रखा जाता है 15 IPS के लिए प्रेशर पे और 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और 15 मिनट्स के लिए रखेंगे। रिमूव इट फ्रॉम ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव से रिमूव कर देंगे। इनक्यूबेट रूम, इनक्यूबेट करेंगे एट रूम टेम्परेचर, फिर उनको इनक्यूबेट करेंगे रूम टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नीचे, फॉर 1 वीक, एक सप्ताह के लिए करते हैं और जो है कमर्शली जो स्पान होता है वो रेडी हो जाता है, ठीक है। ये पूरी वैसे प्रोसेसिंग थी, तो इसमें सिंपल सिंपल है। सबसे पहले गुड क्वालिटी के ग्रेन लेने हैं आपको, दाने लेने हैं, उसके बाद उनको क्या करना है, अच्छे से क्लीन कर देना है, बॉयल करना है जब तक कि वो टूटे नहीं, मतलब सिर्फ सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो हम करते हैं उसमें 4% कैल्शियम कार्बोनेट, उन्हें पहले उनका जो एक्सेस वाटर है वो ड्रेन आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं, यानी उनको छायादार जगह पे थोड़ा सुखा देते हैं। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का 4% का क्या करना चाहिए, डस्टिंग कर देना चाहिए। उसके बाद हमें उन्हें ऑटोक्लेव जो अपना कंटेनर बॉटल्स होती हैं उनमें कॉनिकल फ्लास्क हुआ या फिर कंटेनर बॉटल्स होगी उनमें ग्रेन्स को डाल देना चाहिए, फिर अपना एयर टाइट करके कॉटन वॉल लगा देना चाहिए। उसके बाद ऑटोक्लेव करते हैं ना 15 IBS प्रेशर पे और 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए फॉर 15 मिनट्स, और उसके बाद हम रूम टेम्परेचर पे वाइसिलिया को रख लेते हैं और 25 डिग्री सेल्सियस तक रूम टेम्परेचर होता है और 1 वीक के लिए रखते हैं, और उसके बाद जो माइसिल जो हमारे स्पॉन है वो कमर्शली रूप से क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। स्पॉन प्रिपरेशन आप लोगों ने समझ ली, यही है स्पॉन प्रिपरेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सब्सट्रैक्ट पे। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि भाई कैसा सब्सट्रैक्ट होना चाहिए ना कंपोस्टिंग के लिए, तो अ मशरूम सब्सट्रैक्ट इज अ मटेरियल दैट मशरूम माइसिलिया कैन ग्रो एंड एस्टेबलाइज इटसेल्फ इन। सब्सट्रैक्ट क्या है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जहां पे जो माइसिलिया है वो अपनी ग्रोथ करता है इटसेल्फ, मतलब क्या करेगा माइसिलिया, कैन ग्रो एंड एस्टेबलाइज्ड इटसेल्फ, है ना, और उसके अंदर खुद को क्या करेगा, एस्टेबलाइज्ड करेगा, ठीक है, और वही जो होगा वहीं से मशरूम का उत्पादन होगा, मशरूम जनरेट होगी, ठीक है। तो ये स्पॉन के लिए एक रेडी मीडिया है, ठीक है। द सब्सट्रैक्ट प्रोवाइड मशरूम विद द न्यूट्रिएंट्स, जो सब्सट्रैक्ट है वो मशरूम को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी दे नीड टू ग्रो एंड फ्रूट, और एनर्जी देता है कि वो ग्रो हो और फ्रूटिंग करे। तो ये जो है ये कंपोस्टिंग है, ठीक है, कंपोस्टिंग, और ये जो है ये पैडी स्ट्रॉ है, इट मे बी पैडी स्ट्रॉ भी हो सकता है, वीट स्ट्रॉ भी, मोस्टली कॉमन तो यही है, ठीक है, कंपोस्टिंग मिक्स करके ना ये जो है ये सब्सट्रैक्ट कहलाता है। कंपोस्ट मटेरियल रिक्वायरमेंट, क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है कंपोस्ट के लिए देखेगा, वीट एंड पैडी स्ट्रॉ 300 kg, ये क्वांटिटी है आपके साइज के अकॉर्डिंग कि आपका जो मशरूम का हट है वो कितना है और आपको कितना प्रोडक्शन करना है इस अकॉर्डिंग। वीट का हस्क या पैडी का हस्क ले लीजिए 27 kg, जिप्सम 30 kg, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 9 kg, म्यूरेट ऑफ पोटाश 3 kg, यूरिया 3.6 या 3.5 किलो, और SSP दैट इज सिंगल सुपर फास्फेट 7.5 kg, जैगरी जो है वो 5 kg और फ्यूराडॉन जो है वो 75 ग्राम, ठीक है। इनसे क्या किया जाता है, जैसे जो हमारा कंपोस्टिंग होता है, जो भी स्ट्रॉ होता है, सबसे पहले स्ट्रॉ को लाया जाता है क्लीन प्लेस पे, उसे रखा जाता है, पानी डाला जाता है, मॉइस्चर वगैरह पूरा, है ना, फिर उसको ढक दिया जाता है, ठीक है, कल्टीवेट मतलब वो करके कल्चर मीडिया से, फिर उसके 3-4 दिन बाद क्या होती है, पलटाई होती है, जिप्सम भी ऐड किया जाता है बाद में, यूरिया भी की जाती है, ये सारे किया, और लास्ट में फिर जो अपना फ्यूरोडॉन है या स्प्रिट है उससे क्या क्लीन करके और फिर सुखाया जाता है। तब तक अपन क्लीन आउट करते हैं और लास्ट में जो हमारा कंपोस्ट होगा वो कैसे रेडी माना जाएगा, 15-20 दिन या 1 महीने बाद, दो प्रोसेस होती है, लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। तो कंपोस्ट को अगर आप ऐसे पूरा रेडी होने के बाद, इसे भी ढक दिया जाता है
और क्लीन फर्श पे किया जाती है ये प्रोसेस, प्रॉपर एरिएशन होना चाहिए बार बार इनको, क्या होता है 3 दिन 4 दिन या कई बार डेली टू डेली पलटाया जाता है। तो पलटाते ऐसे हैं क्योंकि एक ढेर लगाते हैं तो नीचे वाला हिस्सा सबसे ऊपर होना चाहिए, बीच वाला फिर नीचे होना चाहिए और सबसे जो ऊपर वाला है वो सबसे नीचे होना चाहिए, ठीक है। इस अकॉर्डिंग उसे क्या अलट पलट दिया जाता है, ठीक है, ताकि प्रॉपर जो है गैसेस का रिलेक्शंस हो, प्रॉपर ड्राई हो जाए और अच्छे से मिक्सअप हो जाए सारी चीजें। और लास्ट में जब हमें पता चले कि भी कंपोस्टिंग रेडी है कि रेडी है नहीं है और मॉइस्चर भी रखा जाता है, तो जब आप दबा के देखते हैं उस कंपोस्ट को तो उसमें से ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी की बूंदें टपक रही है, ये बहुत नहीं है। तो यानी आपका जो कंपोस्ट है वो अभी रेडी नहीं है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है। और अगर हम यूं कर रहे हैं ना, उसे मुट्ठी में ले रहे हैं और अगर हमने डाला तो हमारे हाथ जो हैं वो थोड़े से गीले हो गए हैं, नमी हो गई है, बट जो पानी है वो निकला नहीं है, इसका मतलब आपका कंपोस्ट जो है वो रेडी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए कैसे होता है प्रोसेसिंग पे। कटिंग द स्ट्रॉ 5 सेंटीमीटर साइज, जो भी कटिंग, जो भी हम स्ट्रॉ ले रहे हैं, चारा ले रहे हैं, मे बी वो पैडी का हो, मे बी वो राइस का हो, उसे क्या करेंगे, कट करेंगे पहले 5 सेंटीमीटर। सोकिंग इन कोल्ड वाटर फॉर 4 to 5 आवर, तो हम उस चारे को, उस भूसे को पानी के अंदर 4 से 5 घंटे के लिए क्या करेंगे, भिगोएंगे, सोक करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको ड्रम भी हो सकता है, इसके लिए आपके पास एक स्पेस हो जहाँ टैंक हो और स्प्रे पाइप हो, तो आप क्या करोगे पानी को या फिर टैंक में किसी में डाल देंगे आप, ठीक है, भूसे को। फिर क्या होगा, बैड स्पान फॉर इनोक्यूलेशन ऑफ बैड, जो ये स्पान है ये इनोक्यूलेशन है बैड के लिए। फिर हम बात करते हैं पॉली बैग्स साइज जो होता है वो 30 into 60 सेंटीमीटर का होना चाहिए, विद थिकनेस ऑफ 80 गज, जो मोटाई होती है पॉलिथिन की वो 80 गज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रिप वन एंड विद द थ्रेड, तो पॉलिथिन की तो बात हमने वही की थी कि भी पॉलिथिन अगर ओपन है नीचे से धागे से क्या करो, बांध दो उसे, ठीक है। वो स्पॉन को बताया कि भाई सोक कर दिया, सोक करने के बाद इसे रहने दे, स्पॉन को बताया कि ये ऐसा ग्रोथ किया हुआ है, इसी को हमें डालना है बाद में, ठीक है। और उसमें जो पॉलिथीन लेंगे हम 60 into 30 सेंटीमीटर की होगी लंबाई और चौड़ाई, और बात करें जो 80, जो पॉलिथीन की विड्थ होगी वो 80 गज होगी, ठीक है, थिकनेस जो होगी। तो स्ट्रिप क्या करेंगे हम, बांध देंगे एक तरफ से, तो फिर क्या करेंगे उसके बाद, फिल द स्ट्रॉ टू अ हाइट ऑफ 3 सेंटीमीटर इन द बॉटम टू पॉलिथिन बैग, मतलब ऐसा नहीं है, इसकी भी अपनी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे सबसे पहले हमने एक परत लगाई, फिर हमने थोड़ा सा स्पॉन को डाला, फिर हमने स्पॉन के जैसे बीज को डाला, फिर हमने एक परत लगाई, फिर स्पॉन डाला, फिर एक परत, फिर इस अकॉर्डिंग पॉली को भरा जाता है, ठीक है। ये हो गया, फिर स्प्रिंकलर द स्पॉन, तो हमने ये लगाया, फिर स्प्रिंकल किया स्पॉन को इसके अंदर, फिर नेक्स्ट फिल द सेकेंड लेयर ऑफ द स्ट्रॉ टू हाइट 5 सेंटीमीटर ऑफ स्पॉन, ठीक है। आप देखो ये वही प्रोसेस है, 3 तक भरा, फिर स्पॉन को स्प्रिंकल किया, स्पॉन डाले उसके अंदर, फिर आपने दूसरा और लगाया 2 का, यानी टोटल 5 किया, फिर आपने स्पॉन को किया, फिर जो है रिपीट दिस प्रोसेस टू गेट 5 स्ट्रॉ लेयर विद स्पॉन। इसी तरीके से हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना है, स्पॉन की लेयर कितनी तक डल जाए, 5 लेयर तक डल जाए, ठीक है, क्योंकि पॉलिथिन का साइज हमारा बड़ा है, क्लियर है इतनी बात। देखिएगा, जेंटली प्रेस द बैड एंड टाई इट टाइटली विद अ थ्रेड, तो आपको क्या करना है, अच्छे से उसे क्या कर देना है, प्रेस कर देना है, कोई एयर नहीं होनी चाहिए, प्रेस कर देना ऊपर से अच्छे से भूसे को और स्पॉन तो आपने डाल दिया। जैसे आपने लोगों ने केक देखा है ना, एक लेयर होती है, ठीक है, फिर उसके ऊपर क्रीम डलती है, फिर ऊपर लेयर डाली जाती है, फिर क्रीम, फिर लेयर, फिर क्रीम, इसी अकॉर्डिंग एक भूसे की, फिर स्पॉन डाले जाएंगे, फिर भूसा डाला जाएगा, फिर स्पॉन डाले जाएंगे, फिर भूसा, फिर स्पॉन, इसी प्रकार से फिर उसको लास्ट में क्या किया, 5 ऐसी लेयर कर दी, उसके बाद उसे दबा दें और अच्छे से ऊपर न्यूज़पेपर भी रख दें और अच्छे से क्या करें, उसे टाइंग कर दें, यानी ऊपर से भी जो थ्रेड होता है उसे बांध दे, ठीक है। पुट 6 वेंटिलेशन होल्स रेंडमली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको एक टूथपिक लेनी है या फिर कैसे भी, और आपको एक पॉलिथिन में 6 हॉल वेंटिलेशन के लिए कर देने हैं, ठीक है, जगह जगह से 6 हॉल कर देने हैं आपको एक पॉलिथिन में। उसके बाद लेबलिंग, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो लाइक बटन मशरूम के लिए ये है, ये आप लेबल लगा सकते हो, इट्स योर कन्वीनियंट कि आपने किस अकॉर्डिंग भी इस तारीख को हमने लिया था और इस बैच में, अगर आपके पास बहुत सारी हर्ट्स हैं तो कंफ्यूज ना होने के लिए लेबलिंग कर दी जाती है, अदरवाइज ये स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद होगा हैंगिंग रोप सिस्टम, मतलब फिर आप अपने इसको रैक पे भी रख सकते हो, और ऑस्ट्रिच मशरूम वगैरह है तो आप इसे हैंग भी कर सकते हो, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद जो है हमारे इस फोल्डर में से जो मशरूम है वो ग्रो हो जाएगी, ठीक है। तो इजीली आप फिर इसका क्या कर सकते हो, कल्टीवेशन। तो ये हमारी जो थी ये पूरी प्रोसेस थी कि बटन मशरूम के लिए कैसे कैसे प्रोसेसिंग हमें करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया, स्ट्रॉ लिया, स्ट्रॉ की कटिंग की, फिर उसको सोक किया वाटर में, फिर हमने सोक करने के बाद उसमें क्या हुआ, फिर पॉलीथिन के बारे में थोड़ा बहुत बताया है, फिर उसका क्या किया हमने, पॉली में भरा है उसे। देखो इसमें कंपोस्टिंग के लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया था ना, कंपोस्टिंग भरते हैं, तो बाकी जो प्रोसेसिंग है वो हमारी फिल वाली मैंने आपको बताई दी, और लास्ट में जो है हमारी क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कासिंग की, ठीक है। जो कासिंग है ये क्या है, अब इस डायग्राम से आप आराम से समझ जाएंगे, ये कंपोस्ट है, ठीक है, ये है कंपोस्ट, फिर हमने ये बीच में जो व्हाइट ग्रोथ थारी है ये क्या है, ये जो व्हाइट ग्रोथ है ये है स्पान, ठीक है, ऐसे क्लियर दिख रहा होगा, जो व्हाइट ये वाली ग्रोथ है वो बीच में ये क्या है, स्पॉन की है, और ऊपर वाली जो लेयर है, ऊपर वाली मोस्ट जो डार्क कलर की है, ठीक है, इसमें जो हम लेते हैं ना, इसमें हम कल्चर भी मिलाते हैं ना, उससे उपचारित भी करते हैं, स्टरलाइज्ड करते हैं, जो गोबर की 2 साल पुरानी खाद है उसको हीट करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना ली जाती है, और फिर उसके बाद ये कासिंग की जाती है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है ये कासिंग है, ठीक है, यहीं पे हमारी मशरूम की ग्रोथ और हो रही है। अब देखिएगा कासिंग जो है वो क्या है, इन बेसिक टर्म अ कासिंग लेयर इज अ लेयर ऑफ मॉस्ट मटीरियल, आइदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, या फिर तो ये जो मटेरियल है ये ऑर्गेनिक हो सकता है या इनऑर्गेनिक हो सकता है, या फिर दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है, ठीक है। इट्स प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द कोलोनाइज सब्सट्रैक्ट, जो हमारा कोलोनाइज सब्सट्रैक्ट है इसके टॉप पोर्शन पे रखी जाती है कासिंग, ठीक है। पीरियड टू फ्रूटिंग, जो क्या करती है, फ्रूटिंग को प्रायोरिटीज देती है। द मेन फंक्शन ऑफ द कासिंग लेयर इज टू एड विद मॉइस्चर रिटेंशन इन सब्सट्रैक्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्या करता है, एड विद मॉइस्चर रिटेंशन इन सब्सट्रैक्ट, जो हमारा सब्सट्रैक्ट है उसमें मॉइस्चर रिटेंशन का काम करता है। क्लियर हो गई ये बात, कैसिंग समझ में आ गया। सबसे पहले हमने स्पॉन प्रिपरेशन की बात की थी, उसके बाद हमने सब्सट्रैक्ट को देखा है, ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कैसे कल्टीवेट किया जाता है वो प्रोसेस देख लिया, अब कासिंग क्या होता है वो हमें पता लग गया ना। ये जो टर्मिनोलॉजी ये बहुत ही आसान है, ये अगर समझ में आ गई तो कल्टीवेशन हमें आराम से समझ में आया हुआ है, और होप सो आपको इतना बढ़िया तरीके से बताया हुआ है तो चीज़ें वैसे ही बहुत इमेजेस से क्या होता है, इमेजेस बहुत अच्छी हमारी माइंड में सेट हो जाती है और एक मैप सा बना देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा लिंकअप हो जाता है उससे और याद करने में बहुत आसानी रहती है ना, ठीक है। तो कासिंग हो गया है, ये कंपोस्ट की लेयर है, बीच में स्पॉन है, और ऊपर वाली जहाँ पे ग्रोथ होती है, जहाँ पे फ्रूटिंग होता है, जो मॉस्ट को कंट्रोल करती है, वो जो है वो क्या है, कासिंग है, ठीक है। ये डार्क कलर की होगी थोड़ी। चलिए अब हम बात करते हैं क्रॉप मैनेजमेंट की, कि हमें क्रॉप कर लिया है, अब हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। ये क्रॉपिंग की बात करते हैं, इसके लिए देखिएगा क्या होता है, टेम्परेचर जो रखा जाता है 15-18 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। अब आप थोड़ा सा गौर करना यहाँ पे, देखिए जब हम फॉडर को या फिर ऐसे रख रहे थे ना, नॉर्मल स्पान को रख रहे थे, ठीक है, उसके बाद हम पॉलिथिन को खोलते भी हैं और कासिंग रखते हैं, कासिंग के बाद क्या होता है, हमें मॉइस्चर को, यानी जब क्रॉप मैनेजमेंट कर रहे हैं, जब आप पॉलिथिन को रखेंगे नॉर्मल वे में, तब जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर होगा अप्रोक्सीमेट 20 से लेके या 23 से लेके, ट्वेंटी
23 से लेके 25% डिग्री सेल्सियस, सॉरी, ठीक है। बट जब हम क्रॉप, जब क्रॉप इमर्ज होएगी कास्टिंग के बाद, जब क्रॉप आने वाली होती है ना, उसके बाद हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं, ठीक है। कितने तक ले आएंगे? तब हम टेम्परेचर ले आएंगे 15-18 डिग्री सेल्सियस। ये जो है यानी ग्रोथ के लिए तो ये ठीक है, ठीक है। बट क्रॉप की फ्रूटिंग की बात करें, एट द टाइम ऑफ मशरूम जब ग्रो होगा तब की बात करें तो तब 15-18 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, 15-18 डिग्री सेल्सियस CO2 कंसंट्रेशन, CO2 का जो गैस का कंसंट्रेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, है ना। सिर्फ आपको तीन बातों का याद रखना है। देखो, इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा मेंटेन करना होता है, ठीक है, अदरवाइज जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा और ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी फंगस की। रिलेटिव ह्यूमिडिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और CO2 जो लेवल है विच इज, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये तीनों हमने यहाँ लिखी है। CO2 कंसंट्रेशन इन द रूम 300 to 1000 ppm, इंपॉर्टेंट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85 to 95, ये तीनों पॉइंट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, है ना, लिटरेचर वे में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द एनवायरमेंट पैरामीटर आर मेंटेन्ड एज अबव ड्यूरिंग एंटायर पीरियड ऑफ क्रॉपिंग। क्या बोल रहा है? द एनवायरमेंट पैरामीटर आर मेंटेन, पूरे तरफ से मेंटेन होने चाहिए। ये जो क्रॉपिंग पीरियड जो चलता है, सबसे ज्यादा मेंटेन करने वाली चीजें ही यही होती हैं, ठीक है। टेम्परेचर हैज इन्फ्लुएंस्ड ऑन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड CO2, बिल्कुल। इसलिए मैं बोल रही हूँ, टेम्परेचर जो होगा वो क्या करेगा, इन्फ्लुएंस्ड करेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को और CO2 के कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है, उसकी सांद्रता को। तो सारी चीजें बहुत ही बैलेंस में होनी चाहिए, मेंटेन्ड होनी चाहिए, ठीक है। All the three parameters work in synergy with each other to induce pinning and casting surface, ठीक है। पूरे तीनों जो component है वो आपस में बहुत योजक की तरह काम करते हैं और किसी में भी कोई भी disturbance नहीं होना चाहिए, otherwise दूसरी जो चीजें हैं वो प्रभावित होंगी, ठीक है। और बात करें, उसमें pinning की जाती है ना, casting करने के बाद, और मॉइस्चर का कंटेन और टेम्परेचर का मैंने आपको बता दिया कब कहाँ कैसे करना है और दूसरे वाले में कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रॉप मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, क्या क्या ध्यान रखना होना चाहिए? सबसे पहले जब हार्वेस्टिंग करें तो हैंड्स जो होते हैं वो क्लीन होने चाहिए, उनमें ग्लव्स होने चाहिए, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मशरूम स्टार्ट टू ग्रो आफ्टर 10 to 12 days and mushroom crop can be harvested in 15 to 60 days. Mushroom start growing मतलब जब हम casting करते हैं उसके 10 से 12 दिन के बाद mushroom जो है वो grow होने लग जाता है। ये species to species vary भी करता है और location to, अगर आपने temperature बहुत अच्छे से maintain किया है तो आप आराम से easily crop जल्दी ले सकते हैं, ठीक है, 60 to 65 या 75 days में। Mushroom are harvested by gently holding a mushroom body and ट्विस्टेड इट। क्या करना है, बताया था ना, ये मशरूम है, इसको ऐसे नहीं खींचना है, बिल्कुल नहीं करना है ना, पूरा उखड़ जाएगा। जो मैच्योर मशरूम लग रही है उसको हल्का सा करना है, हल्का सा ट्विस्ट कर देना, और ट्विस्ट करते के साथ ही मशरूम जो है वो आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। बॉडी को होल्ड करना है और हल्का सा ट्विस्ट कर देना है, ठीक है। स्मॉल ग्रोवर वॉश इन सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट रिटार्ड फॉर ब्राउनिंग कॉज बाई पॉलीफिनॉल ऑक्साइड। जो आपको पता है हार्वेस्टिंग के बाद ये क्या होती है, ब्राउन होने लग जाती है, और ब्राउनिंग जो होती है वो किसके कारण, पॉलीफिनॉल ऑक्साइड्स के कारण होता है। लाइक एप्पल भी ब्राउन होता है कट करने के बाद में, ब्रिंजल भी ब्राउन होती है, ऑक्सीडेशन होता है ना, सेम इसमें होता है। इसमें भी हार्वेस्ट के बाद जब कट वगैरह करते हैं तो ब्राउनिंग पड़ने लग जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन में इसे क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन से उपचारित करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, तो ये जो मोटा मोटा अगर बात की जाए, हमारी सबसे स्टार्टिंग से लेके स्पॉन प्रिपरेशन के बाद, कंपोस्टिंग के बाद, है ना, जिसे हम सब्सट्रैक्ट बोल रहे थे, और फिर कास्टिंग के बाद, क्रॉपिंग के बाद, अब हम पहुंचे हैं हार्वेस्टिंग पे। हार्वेस्टिंग भी हमने कंप्लीट कर ली, बहुत शॉर्ट वे में चल रहा है ना, और पॉइंट जो है जितनी भी काम की बातें वो इस स्लाइड में है।
अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या लास्ट में हम डिस्कस करेंगे किसमें कितना खर्चा आता है, कितना मुनाफा है, क्या क्या और कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर शेड कम्स टू द अबो अप्रोक्सिमेट 80,000, है ना। अप्रोक्स जो चलेगा वो कितना चलेगा, 80,000 चलेगा, ठीक है। आप देखिएगा, अब हम बात करते हैं फर्स्ट कॉस्ट ऑफ शेड। कॉस्ट ऑफ शेड यानी जो शेड लगाया है उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, उसकी कीमत कितनी पड़ेगी, 35,000 अप्रोक्सिमेट। जो वीट स्ट्रॉ लेंगे वो 15,000, यूरिया का अगर खर्चा माने तो 1,000, कैन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का ₹500, डीएपी 500, एसएसपी 500, म्यूरेट ऑफ पोटास ₹500, ठीक है। टोटल इनका मिला के 2,000, वीट ब्रान अगर वीट का भूसा या हस्क है तो 2,000, जिप्सम की बात करें 2,000, लेबर 2,000, सॉरी पेस्टिसाइड 2,000 और लेबर की बात करें तो 20,000। इन सबको कैलकुलेट करके हमारा जो टोटल बना है वो 79,000 बना है, अप्रोक्सीमेट आप मान लीजिए मोटा मोटा 80,000, ठीक है। ये एक हट से है, ठीक है। एट हमारा जो मशरूम है वो एक हट से अगर बात की जाए 10 टन में, तो हमने बोला था दो ढाई टन तो निकल ही जाएगा, ठीक है। अब उसकी जो कीमत हम लगाते हैं मिनिमम, मैं बोल रही हूँ कितना मिनिमम बात करते हैं, 100 रुपीज, ठीक है। तो भी अगर बोला जाए तो 2.5 लाख की हमारी क्या बिक जाएगी मशरूम, और 2.5 लाख की मशरूम बिकी है, फिर अगर 80,000 निकाल दिया जाए तो 1,70,000 के लमसम जो है हमारा मुनाफा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा क्या है, शुद्ध मुनाफा है। बाकी ऐसा नहीं है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वेरी करती है कि आपका एरिया कौन सा है, आपका मार्केट कौन सा है। सबसे पहले हमें जो चीज़ मैंने आपको बोला था, लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, सारे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है नियर बाय मार्केट, मार्केट होना चाहिए, या फिर आपके पास ऐसी एक चीज़ होनी चाहिए, या ऑनलाइन मार्केट भी कर रहे हैं, आपके पास एक रिसोर्स होना चाहिए कि आप इसे बेच दो, बस अपने माल को क्या हो जाए, बिक जाए, बस फिर इनकम कोई नहीं रोक सकता, फिर तो है इनकम आती ही आती है। अब स्टोरेज पे चलते हैं हार्वेस्टिंग के बाद, तो स्टोरेज में हम दो टाइप के स्टोरेज पढ़ेंगे, वन इज शॉर्ट टर्म स्टोरेज एंड अनदर इज लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ठीक है। तो बटन मशरूम्स आर हाईली पेरिशेबल, मशरूम्स जो होती हैं बटन मशरूम, वाटर कंटेन बहुत ज़्यादा होगा 91%, तो ऑब्वियसली पेरिशेबिलिटी तो होगी होगी, ठीक है। तो ये जो होती हैं ये पेरिशेबल नेचर की होती हैं। हार्वेस्टेड मशरूम आर कट एट द सॉइल लाइन एंड वेस्टेज इन द सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम, तो इसको क्या करना चाहिए, सॉइल लाइन से कट कर देना चाहिए या ट्विस्ट करके आप उखाड़ी लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम KMS पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड 10 लीटर ऑफ वाटर फॉर रिमूविंग सॉइल पार्टिकल्स एज वेल एज इंड्यूस वाइटनेस, ठीक है। देखिए पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड के कितना, 5 ग्राम 10 लीटर वाटर से के सॉल्यूशन में से हम क्या करेंगे, मशरूम को डिप कर देंगे और निकाल देंगे, उससे उसका जो वाइट कलर है वो भी मेंटेन रहेगा, और जो भी उसमें कंपोस्टिंग लगा हुआ है, सॉइल पार्टिकल्स लगे हुए हैं, है ना, है तो फंगस, तो कंटेमिनेशन ना होता, इसलिए प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए। और मार्केट वैल्यू, जैसा कि हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, इससे जो है मार्केट वैल्यू भी बढ़ती है कमोडिटी की। After removing excess water, these are packed in performed poly bags, ठीक है, या फिर each contain around 250 to 500 ग्राम of mushroom. आप मशरूम का अगर देखेंगे तो या फिर तो वो पॉली बैग्स में होंगे, या फिर एक प्लास्टिक का ब्लू कलर का डब्बा है और उस पर पॉली शीट से पूरा कवर है, क्लीन मशरूम जो होते हैं, है ना, और वो जो पैकिंग होगी वो 200-250 ग्राम की या फिर 500 ग्राम की चलती है, ठीक है, ईजी है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे कैन बी स्टोर्ड इन पॉलीथीन बैग्स, उन्हें स्टोर करना चाहिए पॉलीथीन बैग्स में 4 to 5 degree Celsius टेम्परेचर पे। स्टोरेज की बात कर रहे हैं क्योंकि, तो स्टोरेज के लिए जो होगा 4 to 5 degree Celsius फॉर शॉर्ट पीरियड 3 to 5 days, और ये जो है ये कितने डेज के लिए है, 4 to 5 degree Celsius पे, ओनली 3 to 4 days के लिए, ठीक है। द मॉइस्चर
The mushrooms are usually packed in unlabeled simple polythene or polypropylene retail sales. So, आप इसको सिंपल पॉलिथिन में पैक करके रिटेल शॉप पे सेल आउट कर सकते हैं. बल्क पैकेजिंग डज नॉट एग्जिस्ट. शॉर्ट टर्म है क्योंकि हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म स्टोरेज है, उसके लिए ये मोस्ट प्रेफरेबल नहीं है. इन डेवलप्ड कंट्रीज मॉडिफाइड एटमोस्फेरिक पैकेजिंग, आपको पता ही है डेवलप्ड कंट्रीज में हाईटेक चीजें होती है, हाईटेक मशीनरी होती है, कोल्ड चैम्बर स्टोरेज की फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो वहां के लिए तो क्या है, ये क्या है MAP यानी मॉडिफाई एटमोस्फेरिक पैकेजिंग. मॉडिफाई यानी हर जिस स्टोरेज के लिए जो टेम्परेचर सुटेबल है उसी के अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई कर दिया जाता है, ठीक है. एंड कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में या पैकेजिंग में रखा जाता है. आर वीगन, तो ये जो है ये डेवलप्ड कंट्री के लिए है. डेवलपिंग कंट्री में इतनी फैसिलिटी नहीं है अभी कि इतना हाईटेक अभी किया जाए, तो ये टेम्परेचर को कम करा के ही कर देते हैं, ठीक है. अब है लॉन्ग टर्म स्टोरेज. व्हाइट बटन मशरूम आर नॉट यूजली ड्राइड बाई कॉमन प्रोड्यूसर. Used in case of ostrich, paddy, shititek mushroom, ठीक है. जो shititek mushroom है, ostrich mushroom है, इनको तो dried करके powder फिर भी बना लिया जाता है, but button mushroom के case में ये facility बहुत कम लोग ये जो करते हैं, ठीक है, powder नहीं बनाते हैं. Canning is the most popular method for preserving the white button mushroom. जो canning है, canning यानी क्या होता है, डिब्बा बंदी. और किसी भी सामग्री की अगर डिब्बा बंदी कर दी जाए तो उसकी वैल्यू हाई हो जाती है, उसकी पेरिशेबिलिटी जो होती है, खराब होने की क्षमता वो कम हो जाती है, और वैल्यू हाई होती है, डिमांड भी अच्छी होती है. तो डेवलप्ड कंट्रीज में तो ये सारी चीजें होती ही होती है, ठीक है. अब बात करें, ठीक है, व्हाइट मशरूम के लिए बहुत बढ़िया है. साइजेबल क्वांटिटी ऑफ कैंड प्रोड्यूस आर एक्सपोर्ट टू इंटरनेशनल मार्केट. किसी भी साइज के, लाइक 200 ग्राम्स के, 500 ग्राम्स के, 1 kg के जो कैंस होते हैं, जो डिब्बे होते हैं, उनमें पैक करके इनको क्या किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, ही तो क्या हो, एक्सपोर्ट होती है, और वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा होती है ना. अगर आपने किसी भी चीज़ की डिब्बा बंदी कर दी, यानी ऑटोमेटिकली उसके जो प्राइस होंगे वो क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, ठीक है. सेम चीज़ होगी बट आपने क्या कर दिया, पैकिंग कर दी, डिब्बा बंदी कर दी, तो क्या हो जाएगा, इसको डिब्बा बंदी को हम क्या बोलते हैं, दूसरा अपार्टाइजेशन भी बोलते हैं ना. यूज्ड बिसाइड दैट फ्रीज ड्राइंग, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, फ्रीज ड्राइंग भी कर सकते हैं, ठीक है. और IQF दैट इज इंडिविजुअली क्विक फ्रीजिंग, ठीक है. इंडिविजुअली क्विक फ्रीजिंग में इसमें रेफ्रिजरेटर, मतलब जो भी अपना होता है कूलिंग चैम्बर, उसमें बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअली इसका नाम है IQF, ये भी किया जाता है फ्रीजिंग. पिकलिंग कर दिया जाता है, आर ऑल्सो प्रैक्टिसेस बाई सम. पिकल्स वगैरह भी डाले जाते हैं, ये सब बाई प्रोडक्ट में आ गए. मशरूम की बहुत सारी चीजें बनती हैं, लाइक अगर बोला जाए मशरूम का सूप बनता है, मशरूम की चटनी बनती है, मशरूम की सब्जी तो बनती ही बनती है ना. और अगर बोला जाए मशरूम का पाउडर मेडिसिनल यूज में तो बहुत ज्यादा है. फूड आइटम में अगर बोला जाए तो मशरूम के समोसे भी बनते हैं, है ना. तो जो स्टफिंग कहीं पे भी कुछ भी मिक्सअप कर लो, कुछ भी बना लो, और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है इसकी, बहुत ही बढ़िया है ना मशरूम. तो हमने जो देखी है, अब हम प्रोसेसिंग पे आ गए हैं कि प्रोसेस्ड या बाई प्रोडक्ट पे आ गए हैं. ये ऐसे पैक में आप लोगों ने बहुत देखा होगा, दिस इज ऑल्सो मशरूम. ये पैकिंग भी देखिए, क्लीनिंग कर रहे हैं, फिर उसे वापस से क्या कर रहे हैं, शॉर्टिंग कर रहे हैं, और उसके बाद जो है ये मशरूम के क्या है, पिकल्स हैं, ठीक है, सॉस है, चटनीज है, और लास्ट में ये जो है ये ड्राइड मशरूम है, ठीक है. तो ये बाई प्रोडक्ट्स हैं इसके. सन ड्राइंग ऑफ मशरूम इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट मेथड फॉलोड बाई ग्रोवर फ्रॉम द टाइम इमीडिएटली. जो भी ग्रोवर है, सबसे बेस्ट जो तरीका होता है, इंडिया में तो बहुत टाइम से ये चलता आ रहा है, कोई भी कमोडिटी है उसे क्या कर लें, सन ड्राइंग कर लें, ठीक है. जो फूड आइटम्स है उनको क्या कर लिया जाता है, या मशरूम को क्या किया जाता है, सन ड्राइंग कर लिया जाता है. इट्स अ वेरी सिंपल एंड ओल्डेस्ट मैथड. ड्यू टू द डिफिकल्टीज इन ड्राइंग ऑफ सम मशरूम्स, न्यू प्रिजर्वेटिव टेक्नोलॉजी लाइक कैबिनेट ड्राइंग, कैनिंग, पिकलिंग, फ्रीजिंग या फ्रीज ड्राइंग, इरेडिएशन ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम हैव डेवलप्ड
टू इम्प्रूव द शेल्फ लाइफ ऑफ एंड कंजप्शन ऑफ मशरूम. तो अगर कोई भी कंडीशन फेवरेबल नहीं है सन ड्राइंग के लिए, तो इतने सारे जो है इम्प्लीमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जो इसकी मशरूम की जो सेल्फ लाइफ है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करके, और हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए. ठीक है, तो ये हमारा, ताकि हम इजीली थ्रो आउट द ईयर उसका कंजप्शन कर सकें. ठीक है, द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आर बीइंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम मशरूम, दीज आर मशरूम पीकल्स, मशरूम का अचार, मशरूम पाउडर, मशरूम का पाउडर फॉर प्रिपेयरिंग मशरूम सूप, फिर वो मशरूम का पाउडर या मशरूम के पीसेस जो ड्राइड होते हैं वो प्रिपेयर किसके लिए, सूप बना सकते हैं, मशरूम सॉस बना सकते हैं, मशरूम कैंडी बना सकते हैं, है ना. तो ये जो है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं मशरूम के बाई प्रोडक्ट्स का. क्लियर है. अब जो है हमारे लेक्चर की लास्ट कड़ी है, पेस्ट और डिजीज टू बी लिखा हुआ है इन नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, आज के लेक्चर के लिए तो हम इतना ही करेंगे, और है ना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और मोस्टली मेरे को लगता है कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा, लिटरेचर बेस से भी. हमने कल्टीवेशन बहुत ही सिंपल मेथड में समझा है. ठीक है, नेक्स्ट हम मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो होगा मशरूम का वो पेस्ट और डिजीज पे होगा, और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी इसकी होगी उसकी रिगार्डिंग भी हम उस स्लाइड में डाल देंगे. ये जो लेक्चर है आज का, इसकी जो पीपीटी है वो हमारे ऑनलाइन एग्रीकल्चर का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको अपलोड हो जाएगी, मिल जाएगी. तो वहाँ पे आप इस पीपीटी को देख सकते हैं, बाकी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है. मोस्टली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, एंड लाइक्स एंड कॉमेंट्स दें. थैंक यू सो मच.